दुर्की थाना अंतर्गत ग्राम खाला में पहाड़ पर करीब 1 से 1.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती किया गया है। ये ऐसे तो मोटे तौर पर देखने से लगता है कि 1 एकड़ से ऊपर अधिक जमीन पर है ये, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जमीन इस तरह की तो खेती हमारे यहाँ लगभग नहीं होती है, लेकिन ये पहली सूचना हमको मिली है और हम लोग इस पर कार्रवाई किए हैं। अब इस पर विशेष निगरानी रखा जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल है वो बख्शा नहीं जाएगा। खाला का यह आखिरी छोर है, रक्सी पंचायत और खुटिया पंचायत के बॉर्डर पे है। अब यहाँ खाला का एक ही घर, और इधर रास्ता भी नहीं है कि जो हम लोग आ सके कभी भी। कभी कभार घूमने के बतौर आते हैं, लेकिन हम लोग के जानकारी में यह खेती पहली बार है। तो हम ले लेंगे, तू तो राजे ना हो जाएगा। इसका भी अति किया है। धुरकी पुलिस प्रशासन ने खाला गांव में 1.5 एकड़ में लगे अफीम की खेती को किया नष्ट। जांच में जुटी पुलिस प्रशासन। धुरकी थाना क्षेत्र की खाला पंचायत स्थित झरवा पहाड़ के निकट खुटिया रक्सी पंचायत के सीमा स्थित 1.5 एकड़ खेत में अफीम की खेती को अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार केसरी, सीओ अरुण कुमार सिंह व थाना प्रभारी सदानंद कुमार सदल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर शुक्रवार को विधिवत रूप से की गई प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सीओ व थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर गुप्त सूचना मिली थी कि खाला गांव के झरवा पहाड़ स्थित जैनुल अंसारी के घर के समीप 1.5 एकड़ उपजाऊ भूमि में अफीम की विधिवत तरीके से खेती की गई है। वहीं इसके बाद अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार केसरी व सीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी सदानंद कुमार व राजस्व उपनिरीक्षक विकास कुमार, अंचल के अमीन व BAO अंबुज कुमार पुलिस बल के साथ खाला गांव के झरवा पहाड़ स्थित जैनुल अंसारी के घर के निकट पहुंचे। तब पुलिस प्रशासन को जैसे ही गुप्त सूचना मिली थी, ठीक उसी के अनुरूप 1.5 एकड़ उपजाऊ भूमि में बहुत ही विधिवत तरीके से अफीम का खेती लहलहा रहा था। वहीं उसी अफीम के लहलहाते हुए खेत को सिंचाई करने के लिए बगल में मनरेगा से कुआं का निर्माण भी किया गया है, और उसी कुएं के पानी से अफीम की खेती का सिंचाई करने के लिए विद्युत से चलने वाला अलग मोटर और डीजल से चलने वाला अलग सिंचाई पंप भी लगाया गया था। इधर 1.5 एकड़ उपजाऊ भूमि में अफीम का हरा भरा खेती देखकर धुरकी पुलिस प्रशासन भी आश्चर्यचकित थे। वहीं 1.5 एकड़ में लगे अफीम के फसल में कली निकल चुके थे और अधिकांश पौधों में फूल भी खिल रहे थे। इधर अनुमंडल पुलिस अधिकारी, जिस जगह इसकी खेती की गई थी, मकान के मालिक का नाम पूछा गया तो घर वालों ने बताया कि जैनुल अंसारी का मकान है, और घर के परिजनों ने बताया कि अभी वह घर पर भी नहीं है। इधर खाला गांव में 1.5 एकड़ भूमि में अफीम की खेती की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि साबिर अंसारी भी हैरत में थे कि जिस अफीम की खेती की खबर वह देश के विभिन्न राज्य और जिले से समाचार और न्यूज के माध्यम से सुनते थे, वही अफीम उनके पंचायत में भी बड़े पैमाने पर 1.5 एकड़ में विधिवत तरीके से किया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि अफीम को नष्ट किया जा रहा है और उक्त भूमि का भूस्वामी कौन है, इसकी छानबीन चल रही है। इसमें जो भी शामिल हैं तथा इसका तार कहां तक जुड़ा है, इसका भी छानबीन चल रहा है। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अफीम की खेती करना पूरी तरह से गैर कानूनी है तथा यह भूमि किस प्रकार का है, इसका वह अपने राजस्व कर्मियों के माध्यम से सत्यापन करने में जुटे हैं। थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही इसकी सूचना मिली थी, वह तत्काल अपने वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दिए। इसके बाद जैसे ही पुलिस अधीक्षक व अनुमंडल पुलिस अधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया उन्हें, वह उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अफीम की विधिवत खेती कौन कर रहा है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि धुरकी थाना अंतर्गत ग्राम खाला में पहाड़ पर करीब 1 से 1.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती किया गया है। इस सूचना के आलोक में सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी थाना प्रभारी के साथ उस स्थल पर आया गया। आने पर देखा गया कि यहाँ पर लगभग 1 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की जा रही है। अभी जमीन के मालिकाना स्वामित्व को लेकर सत्यापन किया जा रहा है कि किसका जमीन है और किसके द्वारा लगाया गया है, और
इस पे जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी वो न्यायसंगत हम लोग करेंगे उसको। सर जिस तरह से लगा हुआ दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले भी इसका खेती कर करके तैयार किया गया है सर, उसका सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन अभी तो अभी जस्ट सूचना मिला है हम लोगों को, लेकिन पहले की कभी तक सूचना नहीं मिला था कि पहले से कभी इस पर खेती किया हो, बाहर सूचना संकलन करते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। ये हमारे प्रखंड के खाला पंचायत का ये झरा पहाड़ कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग सूचना मिली थी कि यहाँ पर लगभग एक एकड़ से ऊपर के रकबे में पोस्ते अफीम की खेती की जा रही है। उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ स्थल पर निरीक्षण सत्यापन करने आए हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ फसल लगे हुए देखा है, इसको नष्ट करने का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अग्रेतर कार्रवाई इसका भौतिक ये सत्यापन भूमि सत्यापन वगैरह कार्रवाई हम लोग अपने बहुत जल्द हम लोग करेंगे। आप लगभग कितने ज़मीन में लगा हुआ है सर ये? ये ऐसे तो एक मोटे तौर पर देखने से लगता है कि एक एकड़ से ऊपर अधिक ज़मीन पर है ये और ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। ज़मीन किस टाइप का है सर, रैयती अगर मैं जरूर इसका सत्यापन करेंगे, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसका हम लोग दस्तावेज देख करके राजस्व कागजात जो बताएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई का काम करेंगे। सर खाला में कैसे जानकारी मिली कि इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है? गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खाला में पहाड़ तर जो है वो कुछ अफीम का खेती किया जा रहा है, इसकी सूचना मैंने अपने वरीय पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा को दिया। तत्पश्चात अभी वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय और अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आया गया और सत्यापन किया गया, तो सही में पाया गया कि लगभग एक से डेढ़ एकड़ ज़मीन में अफीम का खेती किया जा रहा है। सर इसमें कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? तो इसके खेती किया गया है, इसमें जांच के बाद ही पता कर पाएंगे कि ये कौन खेती कर रहे हैं, अभी तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। जो मतलब जो खेती कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये तो गलत है, इस तरह का यहाँ पे कभी सूचना नहीं प्राप्त हुई थी, हम लोग सुनते ही थे लेकिन आज यहाँ पे हुआ है, लेकिन आगे से हम लोग इस पे विशेष निगरानी रखेंगे और इस पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। का जो खेती कर रहे हैं उनके विरुद्ध कैसी कार्रवाई होगी सर? नहीं, इस तरह की तो खेती हमारे यहाँ लगभग नहीं होती है, लेकिन ये पहली सूचना हमको मिली है और हम लोग इस पे कार्रवाई किए हैं, अब इस पे विशेष निगरानी रखा जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल हो बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग के जानकारी में यह खेती पहली बार है और हमने आज तक कभी देखा भी नहीं था। क्या कहेंगे अगर आपके पंचायत में लोग इस तरह से अफीम की जो खेती कर रहे हैं, ये तो यहाँ का भविष्य बर्बाद कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को? नहीं, इसके बारे में जानकारी आगे से नहीं था, अब हम लोग पूरा खाला को हम अपना सुरक्षित रखेंगे, ऐसा काम भविष्य में कभी नहीं होने का अनुभव हमको प्राप्त हो रहा है कि हम जानकारी रखेंगे, होगा नहीं। मतलब इस तरह से जो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत करने वालों के विरुद्ध आप पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अंसारी हुआ, मुखिया प्रतिनिधि खाला।